कक्षा 11 भौतिक ज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। समतल में गति, ये हमारा फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने अभी तक आपको सदिश और अदिश राशियों के विषय में बताया और सदिशों के प्रकार बताए, सदिशों का वर्गीकरण बताया। आज हम सदिशों के विषय में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के विषय में जानेंगे। क्या है, देखिए, स्थिति सदिश किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में निर्देश बिंदु मूल बिंदु यह है हमारा, O के सापेक्ष बिंदु P यह है, का स्थिति सदिश क्या है, R बराबर R वेक्टर R इज इक्वल टू OP, ये हमारा इसका इसके सापेक्ष जो है स्थिति सदिश कहलाएगा। अब दूसरा है इसमें विस्थापन सदिश। यदि गति करते किसी कण की दो अलग अलग समयों पर स्थितियां क्रमशः P और Q है, तब R बराबर होगा PQ, है कण का विस्थापन सदिश कहलाएगा। क्या है, देखिए, इसमें चित्र में दिखाया हमने, ये मूल बिंदु है इसका और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। एक कण ये दिखाया गया इसमें P बिंदु पर, इसकी स्थिति R1 है इसका सदिश और इसका R2 है, तो इसका विस्थापन जो अलग अलग समय पर है कणों का विस्थापन, ये एक कण का, एक में R1 है एक समय पर, दूसरे पर R2 है। तो अब हम इसका जो विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति में जो अंतर है वही विस्थापन होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा विस्थापन। अब यहाँ OP क्या है, वो OP क्या है R1, और OQ क्या है वो R2 है, और PQ क्या है हमारा R है। तो हम विस्थापन सदिश जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, अंतिम स्थिति हमारी OQ है, इसलिए OQ में से प्रारंभिक स्थिति OR OP यानी R1 घटा देंगे, तो ये कहलाएगी R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R1, तो ये हमारा विस्थापन सदिश निकल करके आएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि विस्थापन सदिश वह सदिश है जो ये दर्शाता है कि दिए गए समय अंतराल t में कण कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ है। इसी से हमें इसकी स्थिति का और जो विस्थापन की दूरी है उसका पता चलता है। तो आज जो है हमने विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश के विषय में थोड़ा सा जाना। कल हम वेक्टरों का जोड़ने के विषय में जानेंगे और इसके आगे वेक्टरों का घटाना। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर आगे का टॉपिक देखेंगे, जो हमारा वेक्टरों का जोड़ना है उसको बताएंगे। थैंक यू।